तो गाइज इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि ओपन बुक एग्जाम में आपको क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करना है रही बात आंसर अपलोड कैसे करना है उसके लिए वीडियो आपके लिए बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दूँगा चैनल पर तो चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा आपको मिल जाएगी ठीक है ना अब भाई रही बात थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स की थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स की एक डेमो वीडियो है उनके अभी एग्जाम जो है स्टार्ट नहीं हुए हैं बट वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि उनका भी सेम प्रोसेस होने वाला है क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने का आंसर अपलोड करने का ठीक है ना तो आप भी पूरी वीडियोज देखिएगा रही बात फिफ्थ सेमेस्टर की फिफ्थ सेमेस्टर वालों के भाई एग्जाम जो है स्टार्ट हो चुके हैं तो आपको क्वेश्चन पेपर वगैरह कैसे डाउनलोड करना है इस वीडियो में सिखा देता हूँ तो देखो भाई आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पर आ जाना है इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन वाला यहाँ पे साइड में ऑप्शन दिख रहा होगा तो आपको यहाँ पे ऊपर एग्जाम रोल नंबर डालना है एंड देन नीचे अपना पासवर्ड डालना है पासवर्ड वही डालना है जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने क्रिएट किया था ठीक है ना रही बात है भाई यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स ने अभी कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं कराया और ना ही उनके स्टार्ट हुए जब स्टार्ट होंगे उन्हें भी बता दूँ कैसे रजिस्ट्रेशन करना है कैसे पासवर्ड वगैरह सब बनाना है ठीक है ना तो टेंशन मत लीजिएगा फिलहाल अभी ये समझिए कि ओपन बुक एग्जाम में आपको क्वेश्चन पेपर जो है डाउनलोड कैसे करना है तो आप यहाँ पे आ, अपना एग्जाम रोल नंबर डाल के और पासवर्ड डाल के लॉग इन कर लीजिएगा ठीक है लॉग इन करने के बाद आपके सामने अगला इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होगा यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ओपन बुक एग्जाम का ये सेक्शन दिख रहा है तो यहाँ पे क्लिक हेयर पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला इंटरफेस ये ओपन होगा यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना यहाँ पे नीचे आओगे तो जिस दिन आपका एग्जाम होगा उसी दिन आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर देखने के लिए मिल जाएगा ठीक है ना आपके टाइम से तो देखिए भाई यहाँ पे हमारा जो है एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हो चुका है साढ़े बजे सुबह तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आपको देखना है तो क्वेश्चन पेपर आपको डाउनलोड ना कैसे करना यहाँ पे क्लिक हेयर का ऑप्शन आ रहा है क्वेश्चन पेपर का ये सेक्शन है ठीक है ना तो आपको क्लिक हेयर पे यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे दिख जाएगा फिर यहाँ पे आपको कुछ गाइडलाइंस वगैरह बोलेगा तो आपको यहाँ पे आई एग्री पे यहाँ पे क्लिक कर देना है ठीक है ना यहाँ आई एग्री पे टिक करना है और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है जैसे ही आप सबमिट करोगे तो फिर आपके सामने क्वेश्चन पेपर का कॉलम जो है यहाँ पे शो कर देगा ठीक है आपको दिख गया होगा भाई यहाँ पे क्वेश्चन पेपर का जो कॉलम है यहाँ से आ गया आप इस पर क्लिक करके क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो उसकी पी जो है डाउनलोड कर सकते हो और यहीं से आप अपनी जो फाइल है अपलोड भी कर सकते हो आंसर जो है अपलोड भी कर सकते हो कैसे आपको आंसर अपलोड करना है मैं बताता हूँ देखिए आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे एड फाइल करके आंसर अपलोड कर देना तो आंसर की भाई मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा तो उसमें पूरा आंसर कैसे अपलोड करना है पूरा अच्छे से समझाऊंगा बाकी यहाँ तक मैंने आपको सिखा दिया आंसर भी यहीं से अपलोड होंगे कैसे करने हैं वो अभी समझा दूँ और पी डी एफ भाई हर क्वेश्चन की अलग बनेगी पी डी एफ नहीं बनानी आती पी डी एफ का साइज़ जो है वो सात एम बी से कम रखना और पी डी एफ नहीं बनानी आती तो भाई उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँ उस वीडियो में आपको पता चल जाएगा पी डी एफ कैसे बनानी है अगर पी डी एफ ज़्यादा एम बी की बन जाती है तो उसको कम कैसे करनी है उसी वीडियो में आपको समझाया गया तो उस वीडियो को देख लीजिएगा पी डी एफ वाली वीडियो को उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर लीजिएगा तो बस ये इन्फॉर्म करना था रही बात आंसर वाली वीडियो की आंसर वाली वीडियो आपको बहुत जल्दी देखने के लिए मिल जाएगी और एक और बात भाई बहुत से लोग मेरे से ये पूछ रहे हैं कि सर आप आंसर प्रोवाइड कराओगे या नहीं तो भाई मैं आंसर चैनल पे तो प्रोवाइड नहीं करा रहा वीडियोस के थ्रू क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और ना ही टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है तो टाइम और मेहनत तो खैर दोनों ही नहीं है हमारे पास टाइम तो है ही नहीं ठीक है तो आप भाई हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन रहिए उसमें आपको आंसर जो है जैसे जैसे हमें आंसर मिलते रहेंगे हम उसमें सेंड करते रहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो वहाँ पर आप ज्वाइन रहिएगा वहाँ पर हमारे को जो जो आंसर मिलते हैं हम सब सेंड करते हैं वहाँ पर ठीक है ना तो आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए तो उस वीडियो का उस टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो बस यही चीज़ बतानी थी यही चीज़ आपको सिखानी थी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में